Sri Ramachandram Sharanam Prapadye Sri Ramadutam Sharanam Prapadye. Bap Chaitra Shukla Purnima इस पावन तिथि को हम हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। पूरे संसार को हनुमान जयंती की पूरी शह बधाई हो। बधाई हो। दो दिन से हम हनुमान जी को केंद्र में रखते हुए कुछ संवाद कर रहे हैं। आज हनुमान जयंती के दिन पर भी कुछ बातें आपसे करूं। जैसे 6 तारीख को मैंने कहा था कि एक आध्यात्मिक त्रिकोण है, उसकी हमने यथामति यथा भीतरी गति के अनुसार गुरु कृपा से आपसे बातें कही। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा का प्रगटीकरण किया। मैंने कई बार कहा है कि वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। गीता में अर्जुन विषाद योग से लेकर मोक्ष संन्यास योग तक 18 अध्याय जो योग शब्द से प्रस्तुत किए गए हैं, एक गीता के योग को रामचरितमानस में प्रसंगों में पात्रों में सूत्रों में प्रयोग करके दिखा दिया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का सार है रामचरितमानस। और लोगों की श्रद्धा सुंदरकांड का बहुत अध्ययन स्वाध्याय गायन पाठ करते हैं, तो रामचरितमानस का सार है सुंदरकांड। और सुंदरकांड का भाष्य कहो सार कहो जो कहो ये है मेरी दृष्टि में हनुमान चालीसा। गुरु कृपा से थोड़ी अनुभूति में मैंने पहले भी हनुमान चालीसा पर क्रमशः कथाएं होती रही तब भी कहा। हनुमान चालीसा सिद्ध भी है और शुद्ध भी है। वो हनुमान चालीसा में हम जानते हैं कि गोस्वामी जी जब उसका प्रारंभ करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानि के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रारंभ में ही तुलसीदास जी एक मांग करते हैं, तुलसी को क्या मांगना, तुलसी को क्या चाहत। लेकिन हम जैसे विषयी लोगों के लिए और साधकों के लिए भी और सिद्धों के लिए भी, शुद्ध को मैं दूर करता हूं क्योंकि शुद्ध की कोई मांग नहीं। लेकिन हमारे लिए गोस्वामी जी ने एक मांग प्रस्तुत करके हमें बल दिया। वो तीन चीज मांगती, ये भी एक त्रिकोण है। मांगा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे आप बल दो, मुझे आप विद्या दो, बुद्धि दो, मुझे आप विद्या दो। इस त्रिसूत्रों का, त्रिसूत्रीय मांग जो है उसके कई अर्थ होते हैं। प्रत्येक साधक जिन्होंने इसका कुछ अनुभव किया है वो अपने अनुभव को प्रस्तुत कर सकते हैं। सबका स्वागत है। हमें जीवन में तीन चीज की जरूरत है बाप। एक तो बल की जरूरत है, बल के बिना कुछ नहीं हो सकता। औपनिषदी विचारधारा तो कहती है आत्मा बलहीन को नहीं प्राप्त होती। बल चाहिए, लेकिन व्यक्ति में केवल बल आ जाए और बुद्धि ना आए तो ये बल हिंसा करवाएगा, आतंक फैलाएगा। आदमी को सर्मुखत्यार बना देगा। इसलिए चाहिए बुद्धि। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो साधक मेरे से सतत जुड़कर अनन्य भाव से मुझे भजता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम। बल हो और बुद्धि न हो तो बल विघटन कराएगा, हिंसा कराएगा, दुनिया को कुरूप बना देगा। इसलिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि भी
केवल बौद्धिकता, कोरी बुद्धि जिसमें भेद नहीं है। कई लोगों की बुद्धि बहुत प्रखर होती है, बहुत तेज मति होती है, लेकिन तेज हो लेकिन भेद ना हो, संवेदना ना हो, करुणा ना हो, भाव ना हो, तो ये बुद्धि भी बुद्धिनाशात प्रणश्यति, पतन के क्रम में बुद्धि का भी नाश होता है, और बुद्धि का नाश होता है तब हम समाप्त हो जाते हैं। तब चाहिए तीसरी एक मांग, हमें विद्या दो, क्योंकि बुद्धि बल है, वो दूसरों को बंधन में डालता है। बुद्धि कभी कभी खुद को बंधन में डाल देती है। विद्या वो है जो मुक्त करती है, सा विद्या या विमुक्तये। इसीलिए मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या हमें चाहिए। श्री हनुमान जी के पास तीनों है, बहुत बल है, इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं अतुलित बल धामम। राम दूत अतुलित बल धामा, श्री हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, सुमति की कोई सीमा नहीं, इतनी इतनी प्यारी प्रज्ञा के धारक है। इसलिए हम उससे बुद्धि मांगते हैं और विद्या। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। मेरे भाई बहन, जब आदमी के पास बल होगा तो कर्मयोग होगा, निर्बल केवल विचार कर सकता है कर्म का, पुरुषार्थ का। क्रिया में नहीं उतार पाता, स्थूल रूप में भी। जब बल की हम याचना करते हैं तब हम कर्म योग के लिए मांग रहे हैं, हमें बल मिले, ताकि योगः कर्मसु कौशलम्, हम सच्चे रूप में कर्मयोगी बने। जिस रूप में हनुमान जी है, बुद्धि की मांग एक ज्ञान योग की मांग है। हमें ज्ञान योग की प्राप्ति हो और विद्या की मांग, ये मेरी व्यक्तिगत समझ में, आप कबूल करें न करें आप स्वतंत्र है। विद्या का मेरा मतलब है भक्ति। शायद आप चौंक जाएंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भक्ति में तो विधा होती है, विद्या कैसे?
रामचरितमानस में कहा गया, माया भगति सुनहु तुम तो। माया और भक्ति दोनों नारी रूप है। भक्ति कैसी, माया कैसी? लेकिन मैं कहूंगा माया है, ये अविद्या है। भक्ति है ये विद्या है। भक्ति एक साइंस है, भक्ति एक विज्ञान है। जब भाव जगता है तब हमारा अंतःकरण हमारे शरीर की लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है। भाव के कारण ये प्रयोग सफल, जैसे H2O हम प्रयोगशाला में इकट्ठे कर देते हैं तो पानी बन जाता है, वैसे हमारे शरीर की प्रयोगशाला में भक्ति एक प्रयोग, एक साइंस है। भाव जब जगता है तब हमारे रक्त कण, हमारे श्वेत कण, और हमारी पीड़ा अथवा तो खुशी, जैसे H2O वैसे रक्त कण, स्वेद कण यानी पसीने की बूंदे दुख और सुख के कारण, ये सब मिलकर के भक्ति एक ऐसा साइंस है, हमारे बॉडी में एक आंसू निर्मित करती है, एक पानी बन जाता है, जैसे H2O। मैं समझता हूं भक्ति गैलछा नहीं है, भक्ति तथाकथित पागलपन नहीं है, भक्ति एक आवेश भी नहीं है, भक्ति परम होश का नाम है। यद्यपि भक्ति में डूबे आदमी नर्तन करता है, गाता है, स्तंभित होता है, चलित होता, क्या क्या नहीं होता, लेकिन ये पूरा होश लिए होता है। तो माया अविद्या है, भक्ति विद्या है। और विद्या उसको कहते हैं, हम प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आए हैं, स्कूलों में लिखा होता था, ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख देता था या तो दीवारों पर लिख देते, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्त करे। हमें ऐसी विद्या भी चाहिए हनुमान जी, जो हमारे बल के अहंकार से हमें मुक्त करे, जो हमारी बुद्धि के घमंड से हमें मुक्त करे, ऐसी विद्या चाहिए। इसलिए मांगा गया बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। आज के संकट के समय में देश और दुनिया के लिए हमें भी बल की जरूरत है, हमें भी विशेष बुद्धि की जरूरत है और हमें विद्या की जरूरत है। आज ज्यादा जरूरत है, केवल भौतिक रूप में भी, आध्यात्मिक रूप में तो बल है, आत्मबल, केवल देह बल नहीं, आत्मबल, मनोबल।
कैसी भी परिस्थिति, बड़ों बड़ों का मनोबल आज हिल जाए, ऐसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। ऐसे पहाड़ की तरह अटल रहने वाले हनुमान हमें ऐसा आत्मिक और मनोबल प्रदान करें। तो बल का एक अर्थ है आध्यात्मिक रूप में आत्मबल, मनोबल, बुद्धि की याचना का आध्यात्मिक अर्थ है ज्ञान बल, ज्ञान का बल। और विद्या माने आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। हम विषयी हैं तो इस प्रकार के बल हमें चाहिए, हम साधक हैं तो ये दूसरे वाला बल हमें चाहिए। आप हनुमंत चरित्र में देखिए, हनुमान जी ने बल से माँ जानकी की खोज की, आत्मा बलहीन को नहीं मिलती, जानकी है हमारी आत्मा, हमारी परम आत्मा। जानकी और भवानी दो नहीं है, इसीलिए तो हमारे यहाँ मानस पूजा में आया आत्मा तम गिरिजामति, महादेव आप आत्मा है, भवानी बुद्धि है। श्री हनुमान जी महाराज ने बल से जानकी की खोज की, बार बार रघुबीर संभारी, तर्क के पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उस गा पाताल तुरंता। तो हनुमान जी ने जानकी जी की खोज बल योग से की, श्री हनुमान जी महाराज ने जो प्रभु के समुद्र ने प्रभु को राय दी, परमात्मा का निर्णय, और प्रभु ने अपने सभी सखाओं को कार्यरत किया और एक सेतु बना दिया। हनुमान जी ने बुद्धि से सेतु रचना में नल नील के मार्गदर्शन पर प्रधान कार्य किया। नल नील को बचपन में आशीर्वाद था कि आपके छुए हुए पत्थर तैरेंगे, ऐसी कथाएं संतों से सुनी है कि अपने गुरु के मंदिर में शालिग्राम भगवान, जो पत्थर के शालिग्राम होते हैं, ये नल नील बंदर अपने गुरु के आश्रम में उसको खेल खेल में, बाल क्रीड़ा में पानी में डाल देते हैं, गुरु को खोजना पड़ता था। गुरु ने इन दोनों को बहुत डांटा, लेकिन ये बाल स्वभाव बाज नहीं आए, तो गुरु ने कहा रोष के बदले आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे हाथ से पत्थर पानी में डालोगे तो तैरेगा। तो नलनील शिल्प कर्म जानते थे,
अपने हाथों से पानी में पत्थर समंदर में डालते थे, तैरते थे, लेकिन सेतु तो नहीं हुआ। एक पत्थर उधर गया, इधर गया। सेतु के लिए जुड़ जाना बहुत नितांत आवश्यक था। हनुमान जी के पास ये बात पहुंची कि क्या किया जाए, पवन तनय सब श्रम निरर्थक सिद्ध हो रहा है। संतों से सुना, हनुमान जी ने कहा एक काम करो, दो पत्थर लो, एक पर रा लिखो, दूसरे पर म लिखो, जोड़ दो, इससे तो बन जाएगा। ये बुद्धि है, केवल बल से काम नहीं होता, बल से खोज होती है, लेकिन बुद्धि के बिना ये खोज को सबके लिए जोड़ने की प्रक्रिया में, योग की प्रक्रिया में, सेतु की प्रक्रिया में हम नहीं डाल सकते। इसलिए चाहिए बुद्धि। श्री हनुमान जी ने यह किया। और अंत तो गत्वा लंका के रण मैदान में रावण का निर्वाण विद्या के द्वारा हुआ। विद्या मुक्त करती है, जो अभी मैंने कहा अविद्या बांधती है। रावण को निर्वाण तक पहुंचाने में प्रभुदत्त विद्या से श्री हनुमान जी सफल रहे। ऐसे श्री हनुमान जी से हम बल बुद्धि और विद्या मांगते हैं। बाप आओ इस हनुमान जयंती पर विशेष देश काल की स्थिति में, जब स्थिति से हम गुजर रहे हैं, तब हमें ये त्रिकोण की बहुत आवश्यकता है। हमारा मनोबल बना रहे। हाँ, पीड़ा होती है, साधु पुरुष को भी होगी। मेरे पास कुछ प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न, बापू चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से हम हरिकथा सुन रहे हैं, प्रथम दिन से कल तक की हरिकथा ये श्रृंखला सुनकर हमें ऐसा लगता है कि आप देश और दुनिया के लिए बहुत चिंतित हैं। आपकी आवाज का टोन, जो हम रोज सुनने के लिए आदती हो चुके हैं, इस स्थिति में आपकी आवाज हमें चिंता दे रही है। हम तो आपकी आवाज से गवाई हिम्मत को फिर इकट्ठी कर लेते। किसी भी स्थिति में यह संवाद हमें बल दे रहा है, राहत दे रहा। लेकिन आपकी भी चिंता होती है। अपनी पीड़ा एक साधक ने
हरीश भाई मेहता ने भेजी है। देखो मेरे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, साधु कभी उग्र नहीं होता, उग्र हो जाए वो साधु नहीं। इस संसार में साधु जैसा संवेदनशील हृदय किसी के पास नहीं होता। तो साधु कभी उग्र नहीं होता, लेकिन परमात्मा की सृष्टि पर जब कोई ऐसी घटनाएं घटने लगती है, तब कितना ही पहुंचा हुआ फकीर साधु कोई भी थोड़ा व्यग्र जरूर हो जाता है, विश्व कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए। इस साधु के चेहरे की चिंता का आप उसको ठीक से नहीं निकाल पाएंगे, हम जैसे नहीं निकाल पाएंगे। सच्चे साधु को एक ही चिंता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें कहीं मेरे भजन की कमी तो नहीं। मेरा स्मरण, मेरी साधना कमी तो नहीं। मेरे भाई बहन, कोई स्थिति साधु को हिला नहीं सकती। लेकिन हिलती दुनिया को देखकर संवेदना दया में परिवर्तित होती है, दया करुणा में परिवर्तित होती है, और जो करुणा साधु का स्थायी भाव होता है। किसी ने मुझे एक शेर भेजा था, वो मैं ठीक से तो पाठ नहीं सुना पाऊंगा, छूट गया, लेकिन उसने कहा कि लॉकआउट में ये बंद के दिनों में बंदी होने के कारण पूरे नगर के मैखाने बंद हो चुके, लेकिन जो नजरों से पिलाते थे वो भी नजर नहीं आते हैं। जिसकी नजरों से हम पीते हैं, करुणा मूर्ति बुद्ध भी जब संसार को दुखी देखते थे, तब अपनी चिंता सूत्रों के द्वारा पेश करते थे। करुणा अवतार शिव, जाहि दीन पर नेह करहुं कृपा मर्दन मयन। मेरा समाज खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, निरामय रहे, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। मेरे कहने का मतलब इस विकट स्थिति में अध्यात्म विद्या हमें मुक्त कर सकती है। श्री हनुमान जी की अध्यात्म विद्या ने असुर कुल को मुक्ति प्रदान करवाई। बल से जानकी की खोज, बुद्धि से सेतु, विद्या से मुक्ति है।
आज हमें इन तीनों की बहुत जरूरत है। आखिर में एक छोटी सी हरि कथा, बाउल कथा मैंने पढ़ा। एक जगह सत्संग चल रहा था, और भक्ति, भक्त और मुक्ति की चर्चा चल रही थी। मुझे बड़ा प्यारा लगा ये संवाद, शेयर कर रहा हूं। तब एक बहुत बड़ा अद्भुत सूत्र बाउल के मुख से निकला कि सच्चा भक्त वो है जो भगवान से मुक्ति चाहेगा नहीं, भगवान को मुक्त रखेगा। भगवान कृष्ण को जन्मते ही वसुदेव जी मुक्त कर देते हैं, उठा करके गोकुल में कारागृह से, गृह से गोकुल पहुंचा देते हैं। और वो भी शायद न लौटते तो वहां मुक्त रह सकते थे, लेकिन वो लौट आए। भक्त वो है जो बंधन में रहकर अपने इष्ट को मुक्ति देता है। प्रेमी वो है वो खुद बंधन में रहकर अपने प्रियतम को स्वातंत्र प्रदान करता है। ग्यारह वर्ष 52 दिन या तो जो अंक हो कृष्ण के बारे में, इतने समय तक वृंदावन में प्रेम का साम्राज्य, लोगों को धन्य कर देने वाला कृष्ण जब अपने धर्म संस्थापन कार्य के लिए वृंदावन से मथुरा की यात्रा के लिए जब तैयार हुए, तब इन गोपियों ने विरह का बंधन कबूल कर कृष्ण को मुक्त कर दिया। जाओ, 18 अक्षौहिणी सेना, इनमें कृष्ण की इतनी यादवी सेना, मृत्यु और निर्वाण स्वीकार करके कृष्ण को धर्म स्थापन के लिए मुक्त कर रखा कि आप युद्ध नहीं करेंगे, आप शस्त्रहीन रह करके आप हमें गाइड करेंगे। कृष्ण को मुक्त धर्म संस्थापन के लिए। मानस के जटायु ने, हनुमान जी ने, बंदर भालुओं ने, अपने जान की बाजी लगा करके मां जानकी को मुक्त रखने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए परम पुरुषार्थ किया। भक्त को बंधन स्वीकार करके प्रभु की, मुझे ये बहुत क्रांतिकारी लगता है बाउल का वचन। हम मुक्ति चाहते, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, मुक्ति हो जाए, मुक्त हो जाए। भक्त सहर्ष बंधन कबूल करके अपने प्रभु को मुक्त रखता है। आश्रित का क्या मतलब? आश्रित स्वयं बंधन में रहकर अपने बुद्ध पुरुष को मुक्त रखता है। जेह विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। और मुक्त करने की ये विधा विद्या से आती है। विद्या का स्वभाव है मुक्त करना।
इसलिए हनुमान जी से मांगते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निःकाम। कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं जल्दी जल्दी ले लूं। बापू, आप कथा में बार बार कहते हैं एकांते सुखमास्यताम। आज इतनी परिस्थिति, आज की इंग्लिश में लिपि इंग्लिश की है, भाषा एकदम गुजराती है। आज नहीं पर आज की परिस्थिति में वधु प्रासंग छे छे, यानी आज की परिस्थिति जो एकांतवास है, ये प्रासंगिक, बिल्कुल प्रासंगिक है। जहां तक कुछ सुधार न आए तब तक एकांत में रहो। ऐसे एकांत में रहो, ऐसा प्रमाणिक और सम्मानित डिस्टेंस रख कर रहो। जैसे मैं कल झूले की झूलती व्यासपीठ की बात करता था, इसका मतलब ये कि झूला झूलता है, आप सामने बैठे हैं, तो जब झूला आगल जाएगा तो आपको लगेगा बिल्कुल मेरे करीब आ गया, लेकिन दूसरी क्षण ये झूला इतना ही दूर चला जाएगा। प्रमाणिक दूरी का मतलब है निकट से निकट और दूर से दूर। जो परम तत्व का लक्षण है, बहुत जरूरी है प्रसन्नता पूर्वक मनोबल दृढ़ करके एकांतवास। बापू, ये संवाद सुनकर हमारा हौसला बढ़ रहा है, हरि स्मरण बढ़ रहा है, सदगुरु के चरणों में उसके आज्ञा को पालन करने का बल मिल रहा है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से किसने लिखा, बापू सत्य प्रेम और करुणा हमारा जीवन मंत्र बन गया है। ये मंत्र शुद्ध तो है, हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में सिद्ध भी हो जाए, मानी प्रयोग में सफल हो जाए। परमात्मा आपकी उम्मीद पूरी करे। जैसे राम जन्म दिन में 12 बजे, कृष्ण जन्म रात्रि के 12 बजे, हनुमान जी का समय, जन्म समय क्या है? पवन कब प्रकट हुआ, आप कौन सी तिथि बताएंगे, कौन सा समय देंगे? श्री हनुमान जी पवन तनय संकट हरण है। मैं इतना ही कहूंगा। कुछ अपराध हुए हो उसके प्रायश्चित का उपाय ऐसा क्यों सोचते हैं? हरि नाम लो, हरि नाम लो, निराश होने की जरूरत नहीं। मुझे सवा बापा भगत की ये पंक्ति बहुत प्रिय है, आप सब जानते हैं। कैसी भी परिस्थिति आएगी, नाम वाला ने नहीं लड़े, नाम का आश्रय करो। यानी कुल मिलाकर इस संवाद से हमें बहुत बहुत मिल रहा है। कुछ अखबार के कटिंग्स भी है। एक युवक ने कल मुझे लिख कर दिया था, वो भी जल्दी जल्दी ले लो।
बापू जय सियाराम, आपके द्वारा कथाओं में बिलक बिलक विषय में जो हेडलाइन के रूप में केंद्रस्थ जो पंक्तियां उठाई जाती है वो पंक्तियां हम गुनगुनाते रहते हैं। अचानक कभी कभी आपने मानस रावण पर कथाएं की, तो रावण के लिए 10 सिरता की 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबन, ये चौपाई अभी सुबह में प्रातः काल में सुबह सुबह हम वही गुनगुनाने लगते हैं। तब घर के ही लोग कहते हैं कि सुबह क्या गा रहे हो, और चौपाइया गाओ ना, रावण वाली क्यों गाते। आपने पूछा बापू चौपाइयों का सहज स्फुरण भी शुभ और अशुभ का संकेत होता है? नहीं, चौपाइया मंत्र है, जो भी आ जाए आने दो, वो काल की सीमा में नहीं। मध्य प्रदेश से कुछ शेर भेजे हैं परमात्मा के चरण के जन्म जन्म के भंवर नितेश, भोपाल मध्य प्रदेश से कुछ शेर दिए हैं। लज्जत मिली है ऐसी तेरी बारगाह में, लज्जत मिली है ऐसी तेरी बारगाह में, जतता नहीं इधर कोई मेरी निगाह में, अपनी तो इबादत है रुखे रुखे यार देखना, अपनी तो इबादत है रुख ए यार देखना, वाइस शुमार करता है तो कर ले गुनाह में, माना कि तेरे चाहने वाले हैं बेशुमार, माना कि तेरे चाहने वाले हैं बेशुमार, हम जैसे भी गरीब हैं लेकिन तेरी पनाह। बाप पुनः एक बार हनुमान जयंती की विधायक देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, हर तरफ से एक मांग आ ही जा रही है। बापू हनुमान जयंती के दिन इस संवाद का समापन मत करिएगा, आगे भी जारी रखिएगा। कल फिर आपके साथ संवाद करने के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। बढ़ते जाएंगे, जब तक लॉकडाउन है फिर आगे आगे गोरख जा गए। आज के संवाद के समापन में आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सियाराम।